वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। न्यूज स्टोरीज पर आते हैं और आजकल कहने के हेलमेट जो है हर तरफ हेलमेट ही सुनाई दे रहा है। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला आया है। क्या फैसला है ये हमारे दोनों रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मोहम्मद अशफाक और सजाद काजमी, दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अशफाक, सबसे पहले तो आपकी जानिब आएंगे, लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला आया कि जनाब आपको बगैर लाइसेंस के जो है आपको किसी किस्म की गाड़ी या उसकी बिल्कुल नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये ऑर्डर सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो ट्रैफिक रूल्स पर मनोन अमल नहीं करवा सकी। और ये अब की बात नहीं है, गुज़श्ता जब से पाकिस्तान बना उस दिन से लेकर आज तक ट्रैफिक पुलिस एक कंपेन ज़रूर चलाती है और उसके बाद चंद दिन के लिए कंपेन चलाई, उसके बाद फिर बात वहीं के वहीं रह गई। और उसके बाद आप देखें कि लाइसेंस बनवाने के लिए एजेंट माफिया का राज है। सिटी ऑफिस के बाहर जो जाली लाइसेंस भी बनवा रहे हैं, लोगों को, सादा लोग अफराद को लूट रहे हैं। तो अब उसका हल एक ये निकाला था, जब कल लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने जब इस केस की समाअत की तो अजहर सदीक एडवोकेट साहब ने ये तजवीज़ पेश की और अपनी दरख्वास्त में ये मौका भी इख्तियार किया कि क्योंकि जब तक किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी, तो ये जो हादसात हैं इनमें इजाफा होता रहेगा। अब तक जो एक दादो शुमार सामने आए हैं, 70% ऐसे हादसात हो रहे हैं जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं। तो उस पर फिर उन्होंने ये कहा, अदालत से इस्तदा की कि ड्राइविंग लाइसेंस को गाड़ी और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन के साथ मशरूत कर दिया जाए ताकि कोई भी शख्स जब गाड़ी और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन करवाए तो उसको सिर्फ उसी बंदे की होगी जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। इस दरख्वास्त को अदालत ने मंजूर किया और फौरी तौर पर ये हुक्म दे दिया कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन ना की जाए। और इस हवाले से सेक्रेटरी एक्साइज को और सीटीओ लाहौर को भी पीर के रोज तलब कर लिया गया। उर्मिला, एक और वीक पॉइंट भी आता है, देखें अगर ये ऑर्डर हो गया है कि आप लाइसेंस पहले दिखाएं तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन हो। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाड़ी अप्लाई करते हैं, गाड़ी लेने के बाद वो कहते हैं कि हम अपनी गाड़ी पे ड्राइविंग सीखेंगे। उनके लिए पहले तो मुश्किल आता है, ड्राइविंग लाइसेंस का जो है ना वो अरूज पे चले जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस के जो ड्राइविंग जो सेंटर हैं, वैसे उन लोगों के लिए ड्राइविंग सेंटर बने हुए हैं। हाँ, ड्राइविंग सेंटर जो बने हुए हैं उनकी गाड़ियाँ कम पड़ जाएंगी और वो अब ज़्यादा तादाद में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कोई भी जब कोई अहकाम जारी किए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे वो हाई कोर्ट की तरफ से, उसके मुस्बत और मनफी पहलू दोनों होते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली, और उन पर गौर भी करना चाहिए। मसला ये है कि ये बहुत अच्छा इशू है, हालांकि ये कानून के अंदर मौजूद है और हाई कोर्ट आपको बता रहा है कि अल्लाह के बंदो ये कानून है, आप इस पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि अभी ये भी कानून, हेलमेट वाला जो इशू था वो भी हाई कोर्ट ने बताया कि यार आप क्यों लोगों की जानों के पीछे पड़े हैं, जो कानून है उसके मुताबिक इनको कहें और ये हेलमेट पहने। हेलमेट का मौसम से कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। अभी ये लोगों की खुशकिस्मती है कि वो आदी हो जाएंगे, सर्दी का मौसम आ रहा है और ये इसके आदी हो जाएंगे। अब दूसरा पहलू ये है कि अचानक हेलमेट का जो प्रेशर था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, लोग डिप्रेशन का शिकार हैं जो नहीं पहन सकते, कोई बीमार है, कोई ये मसला है। लेकिन ऊपर से ये इतनी, मैं समझता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। हाईकोर्ट ने आर्डर कर दिया, उनसे इनको टाइम फ्रेम लेना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उन्हें हेलमेट की सूरत हाल बताएं कि सर इतने परसेंट, मैं समझता अभी तक हमने ये भी सर्वे नहीं किया कि हम कितने परसेंट लोगों को हेलमेट पहनाने में कामयाब हो गए हैं। नहीं, मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। देखें, सबसे पहले तो हाईकोर्ट ने कहा कि माल रोड पर एटलीस्ट जो भी मोटरसाइकिल आए वो हेलमेट पर लाजमी हो, अदरवाइज वो मोटरसाइकिल ही माल रोड पर नहीं आएगी। मेजोरिटी लोगों को देखा, बिल्कुल, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 99% जो लोग हैं वो आए हैं माल रोड पर बगैर हेलमेट के, कोई दिखाई नहीं दिया। स्पीड बहुत कम होती है। देखिये, आपने कहा कि स्टेप बाय स्टेप चीजें होनी चाहिए। उसके बाद फिर जब इस हुक्म पर एक माह गुजर गया, उसके बाद फिर उन्होंने एक्सपेंड किया और पूरे लाहौर में ये कर दिया कि हेलमेट के बगैर कोई नहीं आएगा। एक बात, दूसरी बात देखें, बात ये है कि ट्रैफिक रूल पर अमल किसने करवाना है, वो करवाना है सीटीओ लाहौर ने। तो हम इस सीटीओ की बात नहीं कर रहे, हम एज ए जो जितने भी सीटीओ माजी में आए हैं, किसी ने भी ट्रैफिक रूल पर अमल दरअमल करवाने में कोई संजीदगी जाहिर नहीं की। सिर्फ ये इस बात पर जोर रखा है कि लोगों के चलान करने हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, टारगेटेड चलान हो ताकि लोगों से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो सके। ई चलान सिस्टम से भी बहुत चीजें। हाँ जी, देखिये, अब तीन चीजें हुई है, एक जो हेलमेट वाला मामला है, दूसरा ई चलानी वाला मामला है। हमने खुद देखा है कि वार्डन ना भी खड़ा हो लेकिन लोग कैमरा देखते हैं। एग्जैक्टली, कल मैं यही डिस्कस कर रही थी कि हम जब सुबह आते हैं तो बिल्कुल रोज खाली होती हूँ, हमारे जो लोग हैं वो इशारे तोड़ के जा रहे हैं। अब इशारा अगर रोड खाली भी है तो लोग पेडेस्ट्रियन जो लाइन है उससे पीछे रहे। बिल्कुल, और आप देखें कि लाहौर हाईकोर्ट के एक जज
ड्राइवर के साथ जा रहे थे और उसको नहीं पता चला उसने इशारा क्रॉस किया, लेकिन जब ई चलान आया लाहौर हाई कोर्ट को उस गाड़ी के नंबर पर आया कि ये फलां जज साहब की गाड़ी है, तो फिर रजिस्ट्रार ने ये ऑर्डर कर दिया कि अब जिसका भी चलान होगा वो ड्राइवर के जिम्मे होगा, वो ड्राइवर को ना सिर्फ फाइन होगा बल्कि उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा कि उसने कानून की वायलेशन क्यों की है, क्यों किया। ठीक है, तो अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, ये हमारी बदकिस्मती समझ लें कि मसला ये कि ये चीज निसाब के अंदर होनी चाहिए। हम देखें ना, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है वो स्कूलों के अंदर लेक्चर दें, वो क्यों दे जाएगी, वो अपना काम करें। और आप निसाब के अंदर महकमा एजुकेशन को चाहिए कि वो अपने निसाब के किताब के अंदर दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को समझाए कि ट्रैफिक कवानीन क्या होते हैं। हमारे यहाँ पहले समझाए जाते थे कवानीन, मुझे याद है कि मेरी स्कूल की एक बुक के अंदर उन्होंने सिग्नल्स और साइन बोर्ड बनाकर हमें बताया जाता, लेकिन अब चूंकि मैं देखती हूँ बुक्स में बिल्कुल ऐसा नहीं, बुक्स दूसरी तरफ जा। अब यहाँ पर आप देखें जो लोग एक ऐसा माइंडसेट बन चुका था कि अगर कोई वार्डन को धोखा दे के इशारा सिग्नल तोड़ रहा है तो वो अपने आप को बहादुर समझ रहा है, दोस्तों को आगे किससे सुना रहा था यार मैंने फलां वार्डन को धोखा दे दिया, कत्ल करने के बाद जेल से आता है और जी बिल्कुल दिखाता जी। अब हमने कल देखा, कल हमने सर्वे किया तो देखा कि लोगों ने ना वो जो वर्क के दौरान मजदूर जो हेलमेट पहनते हैं जो उन्होंने रखी होती है कैप सर पर वो पहन के अच्छा जब उसको रोका शुरू में लोगों ने इसको एज अ वो जोक भी जी जोक भी तो जब उनसे पूछा कि ये क्या माजरा है ये आप क्यों कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं यार हमने तो बस वार्डन से बचने के लिए, यानी वार्डन को धोखा देने के लिए अपने सर की फिक्र नहीं है, अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, घर वालों की फिक्र नहीं है। एज अ नेशन हमें ये समझना चाहिए कि इसमें ना पुलिस को कोई फायदा है ना इसमें अदालत को कोई फायदा है, इसमें फायदा क्या है, सिर्फ आपका है कि आपकी जान की हिफाजत है। हेलमेट का इस्तेमाल किसी का हेलमेट से अगर आगे बढ़ते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन का मसला आ गया कि आपके नाम गाड़ी भी हो और ड्राइविंग लाइसेंस भी हो। दूसरा बड़ा इशू है कि लीजिंग जो कंपनियां हैं उनके अवाम को भी प्रॉब्लम होगी, उन पे उस पर कारोबार बड़ा मुतासर होगा क्योंकि लीज पे जो गाड़ी दी जाती है वो तब तक उसके नाम नहीं की जाती जब तक उसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं होती। देखें उसका मैंने यही आपको शुरू में जो मैंने कोर्ट का ऑर्डर जो बताया उसमें देखें दो चीजें थी। सबसे पहले तो उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले बंदे की गाड़ी और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन की जाए, एक चीज। इसके साथ साथ मैंने कहा कि सेक्रेटरी एक्साइज को और सीटीओ लाहौर को मंडे के रोज तलब कर, यानी ज्यादा लंबी डेट उन्होंने नहीं दी। ठीक है, अब इन दो तीन दिनों में जितने लोगों के पास भी होंगे ड्राइविंग लाइसेंस वो आ जाएंगे। जो अब आप बात करेंगे गाड़ियों की लीजिंग का इशू आ जाएगा और कारोबार मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखें उसके लिए भी सजेशन आ रही है कोर्ट में, उसके लिए ये आ रही है कि बैंक उन बंदों को ही गाड़ी देगा जो पहले ड्राइविंग लाइसेंस रखते होंगे। ठीक है, इसके ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट का ऑर्डर इस तरह का है कि जिस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अब चीजें शुरू हुई हैं, अमल दरामद होने में चीजें अब बढ़ रही हैं आगे की जानिब, और जब ये कंपनीज आएंगी पीर के रोज तो फिर इसको मजीद बेहतर किया जाएगा। नहीं, मेरे तजर्बे बाइक की अगर बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा लीज पे लोग लेते हैं, 30% से ज्यादा जो लाहौर में चलने वाली मोटरसाइकिल वो लीज पे लोग लेते हैं। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस उसका देख लेगा लेकिन उसके नाम नहीं करवाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी लीज वाला मोटरसाइकिल या दूसरी गाड़ी। देखिये असल तो देखिये हमारा मकसद ये था कि ड्राइविंग लाइसेंस बनना चाहिए, गाड़ी नाम पर होना हमारा इशू नहीं है। यही तरीका है कि कंपनियों को रजिस्टर कर लिया जाए लीज वालियों को, जी अगर उसके नाम जो भी गाड़ी होगी उसको ना रोका जाए, वो लीज सर्टिफिकेट दिखा दे कि मैं लीज। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ सर कि असल जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि तमाम अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तरफ लेकर आना था। ऐसा नहीं है कि किसी के पास गाड़ी हो तो उसी के नाम होनी चाहिए, असल मकसद ये था। और आप ये देखें कि आज तक लोगों ने और सीटीओ लाहौर जो ट्रैफिक पुलिस लाहौर है वो मुकम्मल तौर पर शहरियों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ना तो वहाँ पर एक सिस्टम इतना स्लो है, इतना स्लो सिस्टम है। मैंने तो इशफाक ऐसे लोगों को भी लाइसेंस सॉरी उनके पास देखा है जिनको ड्राइविंग का पता ही नहीं है। देखिए उर्मिला, जो भी आप कानून बनाए उसकी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर आवाम होती है जो उसको मुतासर करती है उस कानून को। अब देखें जब ये हेलमेट का इशू आया तो मुझे एक बंदे ने कहा, मैं हैरान हो गया उसकी बात, उसने कहा जी देखें आप 1000 रुपए का चलान करना चाह रहे हैं, अब इशारे के ऊपर ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो हेलमेट के ढेर लगा के बैठ जाए, जो भी बंदा आए उसे रसीद काटे उसे पैसे ले और हेलमेट साथ दे दे, ये नहीं कि उसको हेलमेट के पैसे उससे लैदा ले, उसको इंक्लूड करे चलान के अंदर। ट्रैफिक जो पुलिस है उसको भी कोई अफोर्ड करना चाहिए, गवर्नमेंट को सारा अफोर्ड करना चाहिए थोड़ा सा कि वो उसके पैसे हेलमेट में डाल ले और ताकि उसको जाके तकलीफ ना हो, उसको हेलमेट मौके पे थमा दे। ट्रैफिक पुलिस का काम है कि वो हेलमेट दे, तो ये ट्रैफिक पुलिस का काम। एक मिनट में मेरी बात सुन, ट्रैफिक पुलिस का काम कॉलेजों में जाना, स्कूलों में जाना। एक सेकंड, बात पता क्या है,
अब सारे काम स्टेट ने नहीं करने। हाँ। मोटरसाइकिल हमने अपने पैसों की खरीदी है 40,000 रुपए की या 70,000 रुपए की, अपने पैसों की। उस बच्चे की मानद है जिसको आप गोद में खिलाते हैं, मैं इस तरह बात कर अच्छा, रहा हूं। अच्छा पता है, हम थोड़ा सा इस चीज को देखें कि एज ए नेशन हमें देखना पड़ेगा कि आज जब तक हमारा प्रॉब्लम है कि हम तुम्हारे सर पे कोई डंडा लेकर नहीं खड़ा होगा, हम किसी भी चीज को नहीं मानते। और अब हर काम स्टेट आपको करके नहीं दे सकती है। अगर आप 70,000 की मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं तो आप 1,000 रुपए या 800 रुपए का हेलमेट खरीद लें, वो आपकी सेफ्टी है। अब देखें अगला पॉइंट, वो बोलते हैं जी हम हेलमेट पहन ले तो हमें इधर उधर से दिखाई नहीं देता हमारा, वो मिरर का इशू आ जाएगा। नहीं, अगर शीशे मोटरसाइकिल पे लगे हो प्रॉपर लगे, मेरी बात सुने, कोई भी जब 0 मीटर मोटरसाइकिल आती है उसका चलान लेता है, सुने 0 मीटर मोटरसाइकिल आती है, मिरर लगे होते हैं उसके ऊपर, लगे होते हैं, क्यों उतारते हैं जाते हैं, यही वो पहले जो हम बात कर रहे थे, फखर महसूस करते हैं। सारी बात हमारे अपने अंदर की है, अदालत का काम नहीं है, ये पुलिस का काम सिर्फ आपको आगाही। मैं हेलमेट पहनता था, मुझे लोग मजाक करते थे, मैंने मिरर लगाए, लोग मुझे मजाक करते थे कि यार किस फैशन के मुताबिक चलो यार, आपने मिरर लगाए हुए हैं क्या। मेरे ख्याल से फैशन पीछे रह जाता, आपकी जान की हिफाजत जो है वो ही बहुत बेहतरीन एक चीज होनी चाहिए। और इसके लिए अगर, और ये सरकारी अस्पतालों के अप्रिसिएशन लेटर आए हैं कोर्ट में कि 80% हेड इंजरीज कम हो गई हैं। 70% जो आपके हादसात है ये शफाफ की रिपोर्ट है, जो ट्रैफिक लाइसेंस ना होने और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी ना करने की वजह से होते हैं। 70% हादसा, इट्स अ ह्यूज रेशो। और ये हमें समझना चाहिए कि रोड पे चल रहे हैं आप तो आपको रोड सेंस होनी चाहिए, और उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रोड पे जा रहा है उसके पास लाइसेंस होगा तो। और अभी आप भी देखती होंगी जब रोड पर आप जा रही है गाड़ी में, तो मोटरसाइकिलों वाले किस तरह आपकी गाड़ी के आगे आगे कभी लेफ्ट घुस रहे हैं, कभी राइट घुस रहे हैं, कभी एकदम आगे आ जाते हैं। अब देखिए ये चीजें किसने बतानी है, अब उनके लिए लेन लैदा से बनी हुई है, अगर ना भी बनी हो तो ये एक स्टैंडर्ड रूल है ये कि मोटरसाइकिल वाला निचली सतह पर लो एरिया में मोटरसाइकिल चलाएगा, ऊपर वाले एरिया पर गाड़ी होगी। लेकिन नहीं, जरा सा इशारा बंद होता है ऐसे 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 करके आपकी गाड़ियों के मिरर टूट रहे होते हैं, ठीक है, और वो घुस रहे होते हैं। अब उसके ऊपर भी उन्होंने ये हाईकोर्ट ने ये कहा है कि चलें इस पर चलान ना करें, लेकिन लोगों को अवेयरनेस दें। अवेयरनेस आपको अपनी लेन और लाइन दोनों का पता होना चाहिए कि हमने किधर जाना है और क्या करना। अच्छा अशफाक, इसके साथ साथ जनाब ये भी कहा जा रहा है कि हेलमेट हो रही है तो हेलमेट के साथ कंपनीज को भी बुलाया गया, उनके CEOs को कि जनाब आए और जब कोई मोटरसाइकिल खरीदे उसको उसके साथ हेलमेट दिया जाए। देखें जो बात काजमी साहब कर रहे थे, यही एक सोच एक बड़े लोगों की भी लाहौर के बड़ी तादाद की है, तो इसको देखते हुए लाहौर हाईकोर्ट में एडवोकेट इश्तियाक चौधरी ने ये एक पिटीशन फाइल की कि जो मोटरसाइकिलें बनाने वाली कंपनीज हैं इन्होंने अरबों रुपए कमा ली हैं, तो जो मोटरसाइकिल सवार जो इनके पास आता है उसकी सेफ्टी के मेजर्स भी इन्हीं कंपनी को इख्तियार करने चाहिए। जैसा कि उन्होंने एक मिसाल कमरा अदालत में दी कि अगर गाड़ी सुजुकी कोई गाड़ी खरीदता है तो उसके अंदर सीट बेल्ट लगी होती है, अगर वो सीट बेल्ट ना लगी हो तो ये जो सारिफ है उसने तो नहीं लगवानी, ये सीट बेल्ट उन्होंने इसीलिए लगवाई है कि इसकी जिंदगी महफूज रहे, कोई हादसा हो तो उसकी बचत हो सके। इसी को उन्होंने इसके साथ तशबीह दी कि इसी तरह जब मोटरसाइकिल अगर कोई बंदा बेच रहा है, कोई कंपनी बेच रही है, उसके साथ हेलमेट लाजमी लोगों को मुफ्त में दे ताकि उसकी जिंदगी महफूज रहे, अगर हादसा बड़े हो तो। इस पे कहानी हमारे रात एक रिपोर्टर का गिला था कि हेलमेट चोरी हो जाता है, उसके लिए भी उनको स्पेशली मोटरसाइकिल पे लॉक पीछे से आना पड़ेगा कंपनी की तरफ से कि हेलमेट के लिए ऐसी जगह। अच्छा, चोरी भी नहीं होगा। अब फिर उस पर क्या किया, उस पर हाईकोर्ट ने ये पिटीशन एडमिट कर ली है फॉर हेयरिंग, और ये कहा है तमाम कंपनी जिसमें होंडा, यामा, सुजुकी, पाक हीरो, मेट्रो, इन तमाम कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को तलब कर लिया गया है, और उनको उनसे ये भी तजावीज भी मांग लिया कि बताएं आप लोगों को किस तरह से मैक्सिमम हेलमेट दे सकते हैं। वो अशफाक भाई ऐसे करेंगे, वो बाइक का रेट बढ़ा देंगे, उसको हेलमेट में इंक्लूड करेंगे। हेलमेट से क्या रेट नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ ना, अब फार्मास्यूटिकल कंपनी है या कोई भी ऐसी चीजें हैं, आप मौजूदा गवर्नमेंट की ले लें, उन्होंने टैक्स पे सख्ती की, उन्होंने कहा जी जहां पे एक ट्रक फैक्ट्री से निकलता था दो ट्रक निकलते थे, एक का टैक्स क्यों दिया जाता, अब दो का दें, तो उन्होंने चीजें महंगी कर दी, महंगाई होगी, वह बिल्ला होया, पीटीआई लाहौर में बुरी तरह हार गई। अब ये देखें कि इस पे असरात होते हैं इसके, और कंपनी कभी भी माफ नहीं करेगी। मेरी बात सुने, कोई भी कंपनी अपने नुकसान का वाला काम नहीं करती, ये बात आपको भी पता है, उसके फायदा का हो। अब उसमें कोर्ट ने उन लोगों को बुलाया है, उन तमाम अफसरान को, चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ को बुलाया है कि बताएं हमें क्या करना चाहिए। अब उनके सामने ये बात पिटिशनर की रखी जाएगी, उसमें ये वो ये जरूर कर सकते हैं कि यार अगर 500 का हेलमेट है हम अपना प्रॉफिट नहीं लेते, नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम हेलमेट देने के लिए तैयार हैं, ये भी एक सजेशन कोर्ट में है। ऐसा भी नहीं है कि उन कंपनीज को नुकसान पहुंचाना है,
तो ये जब अशवा किसी को नहीं पहुंचे, जो किसी के फायदे में नहीं होगा कोई कुछ नहीं करेगा। ये एक प्लानिंग जरूर होगी लेकिन नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये इसलिए लोगों का ये फायदा है हेलमेट इस्तेमाल करना। हम इतने पैसे, शाम को आप जाएं गुलबर्ग, इधर कोई होटल ऐसा नहीं था जो खाली हो जहाँ पर खाने ना खाए जा रहे हो। और ये नहीं कि वहाँ पे सिर्फ वो लोग आते हैं जो गाड़ियों में आते हैं, बाइक वाले लोग भी बाइक वाले लोग भी आते हैं और अच्छे लोग सारे आते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ अपनी जिंदगी के ऊपर पैसे खर्च नहीं करने, वो रियासत ने करने हैं। अच्छा ये हमारे यहाँ, सॉरी बट पता नहीं बहुत सारे लोग ऑफेंड होंगे, हम हर चीज स्टेट पे डाल देते हैं कि ये स्टेट हमें करके दे, स्टेट भी हमें ये भी कर दे, हमें अस्पतालों में ये चीज। आप जब अपनी प्रिवेंशन नहीं करते तो तब तक ये तमाम चीजें नहीं हो सकती। वही मैं कह रहा हूँ, जिस तरह मनफी प्रोपोगंडा किया कि 1000 रुपया ले रहे हैं जी, ये ज्यादती है जी, ये मार देंगे आवाम को, किसी को 1000 रुपए का आज तक चलान हुआ ही नहीं। सर देखिए 1000 रुपए का चलान नहीं, नहीं देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, उसको 1000 रुपए का चलान इसलिए नहीं हुआ कि सीटीओ ने ये बताया कि अभी जो हमारे पास रूल्स हैं, हमने इसको, इस चलान को बढ़ाने के लिए समरी और सारा काम करके आगे गवर्नमेंट को भिजवा दिया। फिर आपने देखा गवर्नमेंट चेंज हो गई, सारी सूरत हाल तब्दील हो गई, अब वो समरी पड़ी हुई है आई थिंक कबीना के पास, वहां से मंजूर होगी तो फिर ये बढ़ जाएगा। लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि ये जो हेलमेट है ये उनकी सेफ्टी के लिए है, ना कि वार्डन के डर और खौफ की वजह से, चलान की वजह से आप हेलमेट ले लें, लेके आप मोटरसाइकिल की टैंकी पर रख लें। ये तो कानून को मुंह चढ़ाने वाली बात है बुनियादी तौर पर। तो इसीलिए इस पर यह कहा गया कि डबल चलान करें ऐसे लोगों को, जो चीज ले तो लिए उन्होंने लेकिन इस्तेमाल नहीं की। कल भी हमने जब माल रोड पर सर्वे किया तो देखा एक बुजुर्ग थे, उन्होंने हेलमेट लिया हुआ है लेकिन आगे हैंडल के से लटकाया हुआ है। हमने पूछा कि ये क्यों आपने किया हुआ है, कहता यार पुत्र बस जरा वैसे ही, मैं कहता वार्डन रोकन ना, ठीक है। अब उनको बंदा बताए कि ठीक है आपकी गलती। अच्छा, बड़ी शादी करते हैं, देखते हैं दूर से दो वार्डन खड़े हैं, जल्दी से टैंकी से हेलमेट पकड़ते हैं और सर पे पहन लेते हैं। ये तो ये देखिए ना, ज्यादती है कि अब पहले आपका गिला है कि हम इतने पैसे क्यों जाया करें, अब आपने ले लिया और उसको हाथ में पकड़ लिया। यही बात जो और मिला ने की थी ना कि डंडा चाहिए यहाँ पर अमल दरामद करवाने के लिए, मैं बीमार हूँ, कोई कहता जी मैं बीमार हूँ, मैं सर पे पहनता हूँ। देखिए पतंगबाजी बंद हुई है, पतंगबाजी बंद हुई है, कोई सोच सकता था कि पतंगबाजी बंद हो सकती है, हुई है ना, कोई भी नहीं सोच सकता था। लेकिन अब देखें कि जब कानून नाफिज हुआ, स्टेट हरकत में आई है तो हर चीज खत्म हो गई। सीटीओ साहब खुद भी आए हुए कहते हैं जनाब जिस बंदे को आप मोटरसाइकिल दे रहे हैं उसको पता है क्लच का है, उसका जो किक का है, सारा कुछ उसको पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि उसने हेलमेट लेना है या उसको रोड उसकी सेंस क्या है कि उसने किस लेन में चलना है, लेफ्ट पे चलना है राइट पे चलना है। ये बात सारी यही है कि जब तक आपके सर पे कोई डंडा लेके नहीं खड़ा हुआ, आपसे इम्प्लीमेंट नहीं कराएगा, हमने नहीं मानना। और बहादुरी के साथ बताते हो यार मैंने वार्डन को धोखा दे दिया, मैंने हेलमेट वैसे ही छुपाया हुआ था, मैंने बताया नहीं, मैंने सिग्नल तोड़ दिया, वार्डन को पता नहीं चला। तो ये सारी चीजें, इन सारे लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। और अब अदालत ने इन लोगों की सहूलत के लिए उन कंपनीज के अफसरान को बुला लिया है। अब देखिए पिटीशन में प्रेयर्स तो बहुत ज्यादा है, एक प्रेयर उसमें ये भी है कि ये जो कंपनी है हर एक एड जारी करेगी कि हर बंदे को जिसके पास, अगर मिसाल के तौर पर होंडा की मोटरसाइकिल है 80 मॉडल की, वो असल कागज मोटरसाइकिल कागजात लेकर आए, आईडी कार्ड लाए, कंपनी उसको हेलमेट देगी। अच्छा उसमें वो कह रहा है कि कंपनी का क्या फायदा है, कंपनी का ये फायदा है कंपनी एडवर्टाइजमेंट पर लाखों रुपए खर्च कर देती है, तो हेलमेट के ऊपर अपना स्टिकर लगाए वो बंदा जिधर जिधर घूमेगा हेलमेट पहन के। आईजी जो आए हैं इन्होंने, पहले जब आईजी नहीं थे तब भी इन्होंने एक दफा ये ऑर्डर जारी किया था, एडिशनल आईजी थे, इन्होंने ऑर्डर जारी किया था कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मोटरसाइकिल बंद कर दो, ठीक हो गया। चलिए जनाब हेलमेट के हवाले से बात करे थे, थैंक यू वेरी मच अशफाक, बहुत शुक्रिया सजाद काजी साहब आपका। जनाब हेलमेट पहनना आपकी जरूरत है, इसमें किसी का फायदा नहीं, आप अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं और हेलमेट का इस्तेमाल करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।